हम लोगों को प्रूव करना है टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। मतलब एक ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं, दोनों सब ग्रुप नॉर्मल हैं, उस दोनों नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होगा वह भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। अब वह जो नॉर्मल बनेगा सबसे पहले तो यह तुमको प्रूफ करना पड़ जाएगा जब दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनेगा का है। नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए तो पहले सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद एक्स एच एक्स इनवर्स एच में आना चाहिए, ओवरऑल एक्स बिलोंग जी एच बिलोंग एच। सबसे पहले आपको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपके पास में लॉजिक है कि ग्रुप का नन इनविटी सबसेट हो, पहले नन इनविटी हो सबसेट हो, देन ए कॉमा बी अगर सब ग्रुप में है जिसको तुम कहना चाह रहे हो, ए कॉमा बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स अगर एच में होगा तो एच सब ग्रुप होगा। एक एक करके मानता है जो एच और ए इसका दो नॉर्मल सब ग्रुप है करना है एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देखिए क्या कहा, दो मिस क्या एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप जी। हम लोगों का टारगेट है जो एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, हम लोगों का टारगेट है एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप हो ग्रुप का। अब एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप हो तो सीधा तो नॉर्मल होता नहीं है, पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए, कोई सब ग्रुप नॉर्मल बनता है तो पहले आपको यह प्रूफ करना पड़ जाएगा एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है, देन फिर नॉर्मल के लिए हम लोग ट्रीट करेंगे। तो वन बाय वन फॉर दिस नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले हम लोग सब ग्रुप दिखाना चाहेंगे। फॉर सब ग्रुप अब सब ग्रुप होने के लिए आपके पास में नेसेसरी या सफिशियंट कंडीशन है, लेकिन कंडीशन लगने से पहले नन इनविटी सबसेट होना चाहिए। सिंस एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर एच सबसेट जी के भी सबसेट जी, दिस इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन के सबसेट जी। अब एच इंटरसेक्शन के फाइव भी नहीं होगा, क्यों? एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एच और के सब ग्रुप है तो एच और के में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो वही आइडेंटिटी कौन आइडेंटिटी जो जी में होगा वही आइडेंटिटी एच में भी होगा के में भी होगा, तो दोनों में एच इंटरसेक्शन फाइव कैसे होगा? तो एच इंटरसेक्शन के नोड नंबर फाइव, मतलब दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कभी फाइव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और सब ग्रुप उसी आइडेंटिटी को कवर करके, चूंकि सब ग्रुप भी सेम ऑपरेशन के लिए बनता है तो वही ग्रुप वाला आइडेंटिटी उस सब ग्रुप सब में भी आता है।
तो एक ग्रुप का जितना भी सब ग्रुप हो आप सबको भी इंटरसेक्शन करवा दोगे तो कभी फाई नहीं आएगा। एच इंटरसेक्शन के में कम से कम एक एलिमेंट आएगा जो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चलिए एच इंटरसेक्शन के सबसेट हुआ, एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी हुआ। अब आगे नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया, अब आपका लॉजिक है अगर ए बी एच में होगा कि एच का मतलब एच इंटरसेक्शन के में होगा तो ए बी इनवर्स को भी अगर एच इंटरसेक्शन के में दिखा दोगे तो एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप बन जाएगा। जब एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप बन जाएगा फिर भी नॉर्मल के लिए मूव करेगा। हम लोग किए एच इंटरसेक्शन के हमारा नॉन एम्प्टी था, एच इंटरसेक्शन के सबसेट था जी का। तो पहले हम एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप दिखाएंगे तो जब ही एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी है मतलब एच इंटरसेक्शन के फाई नहीं है तो उसमें कम से कम एक भी एलिमेंट तो है, तब आप एलिमेंट ले सकते हो। तब लेते हैं एच इंटरसेक्शन के में एलिमेंट एंड सब ग्रुप दिखाने के लिए आपका लॉजिक है नॉन एम्प्टी सबसेट में अगर ए कॉमा बी है तो ए बी इनवर्स उसी में होना चाहिए, उसको हम लोग यूज करेगा जैसा जरूरत हो। लेट ए कॉमा बी बिलोंग एच इंटरसेक्शन के, अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट में रहा होगा। ए कॉमा बी बिलोंग एच एंड ए कॉमा बी बिलोंग के। अब आप यहाँ पे यूज कीजिए नेसेसरी कंडीशन, जो ए बी अगर एच में है तो एच तो सब एच तो नॉर्मल सब ग्रुप था, तो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप था तो पहले एच सब ग्रुप रहा होगा, तो अगर सब ग्रुप रहा होगा तो ए कॉमा बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में रहा होगा। या तो आप उस कंडीशन से आइए, इट मीन्स ए बी एच में है दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स A B inverse belong H and A B K में है, K B का सब ग्रुप है, A B सब ग्रुप है तो A B inverse B belong करेगा K में, A B inverse H में है, A B inverse K में है, A B inverse belong करेगा H intersection K में। It means A comma B belong H intersection K. This implies AB inverse belong H intersection K. या तो sufficient condition है आपका सब ग्रुप दिखाने का, तो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट में अगर दो एलिमेंट है एक एलिमेंट दूसरा का इनवर्स अगर उसी नॉन एम्प्टी सबसेट में है तो वो सबसेट आपका सब ग्रुप है। Therefore, H intersection K is subgroup of G. मतलब इतना प्रूफ हो गया दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है वो सब ग्रुप ही बनेगा। अब आपको दिखाना है नॉर्मल, तो नॉर्मल का लॉजिक है पहले तो सब ग्रुप हो जो सब ग्रुप आपका हो चुका है एक्स एच एक्स इनवर्स एच में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एच के बदला में कौन है एच इंटरसेक्शन के है। नाउ फॉर नॉर्मल सबग्रुप अब आपको नॉर्मल सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप के लिए लॉजिक बनाना है तो हम लोग इसको नॉर्मल दिखाना है। तो नॉर्मल के लिए लॉजिक है एक एलिमेंट इसका हो एक एलिमेंट इसका हो एंड ग्रुप का एलिमेंट हो, ग्रुप का एलिमेंट एक इसका एलिमेंट एंड ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स तीनों को ऑपरेट करे तो रिजल्ट जाना चाहिए इसमें एच इंटरसेक्शन के में। अगर ऐसा होगा तो फिर एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल बनेगा। तो फॉर नॉर्मल सब ग्रुप लेट एक्स बिलोंग जी एंड ए बिलोंग
H intersection K. जब या H ही आप ले लो, small h, confusion नहीं हो, H belong H intersection K. H अगर H intersection K में है, H H में भी रहा होगा, H K में भी रहा होगा, उसको यूज करते हैं. Since H belong H intersection K, this implies H belong H and H belong K. H is normal subgroup of G. Therefore, X inverse belong H. H खुद में तो normal है. H खुद में normal है. तो नॉर्मल के डिफिनेशन को फॉलो करेगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग जी, एच बिलोंग सेम लॉजिक पे के भी तो नॉर्मल सब ग्रुप है. चलो इसको कोई फर्स्ट मानता, केयर इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप. Therefore, X inverse belong K, for all H belong K, and X belong G. इस दोनों से देखो तो X inverse H में भी है, X inverse K में भी है, तो दोनों में है ना, तो दोनों में है, इंटरसेक्शन में होगा. It means ये कह रहा है from first and second x inverse belong h and x inverse belong k. This implies x inverse belong h intersection k, for all x belong g, h belong h intersection k. Therefore, H intersection K is normal subgroup of G. Therefore, we say that intersection of two normal subgroup is normal subgroup. दो normal subgroup का जो intersection होता है, वो normal subgroup होता है. इसके लिए हम लोग लॉजिक क्या यूज किया, तो सबसे पहले जी को एक ग्रुप था, एच और के उसका कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप था. हमारा टारगेट था जो उस दोनों का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप बने, तो पहले हम एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप दिखाया. सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले जो कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशियंट उसको यूज किया. सबसे पहले एच इंटरसेक्शन के को ननिपटी सबसेट दिखाया, देन भी ए भी एच इंटरसेक्शन के में है, अगर ए भी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में हो जाएगा तो एक हमारा सफिशियंट कंडीशन है. तो ए भी एच इंटरसेक्शन के में है, तो अगर कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में है वो एलिमेंट दोनों में होगा, तो ए भी एच में भी होगा, ए भी के में भी होगा, तो ए भी एच में होगा, ए भी के में होगा. अब H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H पहले तो सब ग्रुप रहा होगा, तो सब ग्रुप के सफिशियंट कंडीशन को फॉलो करेगा. मतलब अगर सब ग्रुप है तो ए भी अगर H में है तो ए भी इनवर्स भी H में होगा, तो ए भी H में है तो ए भी इनवर्स H में है, ए भी K में है तो ए भी इनवर्स K में है, तो ए भी इनवर्स H इंटरसेक्शन K में. मतलब ए भी H इंटरसेक्शन K में है तो ए भी इनवर्स H इंटरसेक्शन K में है. यहां से आप कह सकते हो जो दोस्त सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप हुआ. अब आगे तुमको दिखाना है नॉर्मल, तो नॉर्मल में एक एलिमेंट ग्रुप का जिसको नॉर्मल दिखाना है, जो तुम्हारा सब ग्रुप है एक एलिमेंट उसका, अधेल ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, तीनों को ऑपरेट करें तो रिजल्ट आना चाहिए. इसमें X belong G, H belong H intersection K, H belong H intersection K.
इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, तो एच एच में भी होगा, एच के में भी होगा। अब एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच नॉर्मल है तो एच नॉर्मल के कंडीशंस को फॉलो करेगा ना, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच में होगा। के भी तो नॉर्मल है तो एक्स एच एक्स इनवर्स के में होगा, क्योंकि एच तुम्हारा के में है। एक्स एच एक्स इनवर्स एच में भी है, एक्स एच एक्स इनवर्स के में है, तो दोनों में है, दोनों में है, इंटरसेक्शन में होगा। एक्स एच एक्स इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में है, जहां पे एच किसका मेंबर है, एच इंटरसेक्शन के का, एक्स किसका मेंबर है, ग्रुप का, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं therefore we say that intersection of two normal subgroup, therefore we say that intersection of two normal subgroup of group G is a normal subgroup of group G। इसको आप generalize भी कर सकते हैं, intersection of any numbers of normal subgroup of group G is also a normal subgroup of group G। एक ग्रुप का जितना भी नॉर्मल सब ग्रुप हो, सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप को अगर इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो रिजल्ट में एक नॉर्मल सब ग्रुप ही मिलेगा ऑलवेज।